माइनस के चार साल बदलाव बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं श्रिया। आज हम जानेंगे हैप्पीनेस करिकुलम के जरिए बच्चों में आए परिवर्तन के बारे में। हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? माय नेम इज गविका। हैप्पीनेस करिकुलम से आपने अपने आप में क्या चेंजेस महसूस किए हैं? हैप्पीनेस करिकुलम की वजह से मेरी लाइफ में बहुत से चेंजेस आए हैं, जैसे कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि लोगों का मेरे जीवन में क्या योगदान है। और तो और, मैं अपने सब्जी वाले भैया और शॉपकीपर अंकल की और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगी हूँ, क्योंकि अगर वो ना होते तो मेरे घर में सब्जी और सामान कहाँ से आता। माइंडफुलनेस की वजह से मैं खुद तो सजग हो ही रही हूँ, लेकिन अपने घर में माइंडफुलनेस करा के मैं अपने माता पिता और अपने भैया को भी सजग कर रही हूँ। थैंक यू। अब मेरे साथ एक और स्टूडेंट है जिनका नाम है बंधन। हेलो बंधन, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हो अभी? मैं अभी वॉल पेंटिंग कर रही हूँ। वाह, आप हैप्पीनेस के जरिए जो भी बदलाव आप में आए हैं उसको अपनी जुबानी बताइए हमें। हैप्पीनेस करिकुलम से पहले मैं अपने भाई बहनों से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती रहती, लेकिन हैप्पीनेस करिकुलम के बाद मैं अपने भाई बहनों से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करती, क्योंकि मैं अब समझने लगी हूँ वो मेरे भाई और बहन हैं। हमारे स्कूल में हैप्पीनेस का फर्स्ट पीरियड होता है, जिसमें हम हैप्पीनेस करते हैं, हैप्पीनेस माइंडफुलनेस करते हैं, जिससे मेरा फोकस बढ़ता है, मैं बाकी सब्जेक्ट्स में पूरा ध्यान दे पाती हूँ। तो ये थे कुछ बदलाव की कहानियाँ। हैप्पीनेस के चार साल पूरे होने पे ये बदलाव स्कूलों में दिख रहा है। फिर होंगे हाजिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार।